इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज को भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। दरअसल ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज जेल में बाहर नहीं आ पाएंगे। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 1 अगस्त को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है, जबकि आतिफ रजा उर्फ सरजीत लखनऊ जेल में बंद है। कारोबारी अबू फकर खान ने अगस्त 2023 में कोतवाली गाजीपुर में FIR दर्ज कराई थी। अबू फकर खान ने मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी आफशा अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इनके खिलाफ ठगी, रंगदारी और साजिश रचने की धाराओं में FIR दर्ज कराई गई थी। इन पर आरोप है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने उसकी बेशकीमती जमीन थी। उन्होंने एक कीमती जमीन थी वादी की, जिसको उन्होंने जबरदस्ती और पिस्टल सटा करके जमीन रजिस्ट्री करा ली थी। उनका आरोप यह था कि उसका पैसा भी उनको पेमेंट नहीं किया। इसी मामले में जमानत अर्जी थी उनकी, उनके साथ साथ 2 और लोगों की थी, एक सरजिल रजा की भी थी और एक अफरोज थी। तीनों जमानत अर्जियों पर 1 अगस्त को जजमेंट रिजर्व हो गया था। आज अनलेवल कोर्ट ने तीनों अर्जियों पर फैसला सुना और तीनों लोगों को जमानत ग्रांट कर। सरजिल रजा जो हैं वो उनके मामा हैं और अफरोज भी शायद उनके परिवार के हैं या पट्टीदार हैं, मुझे सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन ये तीनों लोग मुलजिम थे। तीनों लोगों की जमानत आज कोर्ट ने ग्रांट कर।